तुम लोग कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, शूज शूज बहुत ज्यादा जरूरी है, शूज बहुत ज्यादा जरूरी है। Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Z and back at it again with a new video. Okay, so guys, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ how to look more handsome and attractive. तो उस चीज को लेके मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ, बट वो स्टार्ट करने के पहले मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मैं अपने लिए एक्सेसरीज कहाँ से बाय करता हूँ. आई मीन जो चीजें मेरे लिए मैं इंस्टाग्राम पे शूट करता हूँ, जितने मेरे फोटोज वगैरह आते हैं, तो वो सब चीजें मैं कहाँ से बाय करता हूँ, जैसे कि शूज एंड ऑल, बहुत सी चीजें. तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो वो सारी चीजें बाय करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है, चेक कर सकते हो. तो जाओ प्लीज चेक करो. डूड, मैं वहाँ पर इतने लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैंने सीधा वीडियो में तुम लोग बता दिया, डिस्क्रिप्शन चेक करो, पहला लिंक दिया हुआ है, तुम लोग वहाँ से बाय कर सकते हो जहाँ से मैं बाय करता हूँ. सो आज का जो पहला टिप है वो है हेयर्स. तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हेयर मस्ट है डूड किसी भी चीज के लिए. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सिल्की हेयर, तुम लोग बहुत लोगों के अलग अलग टाइप के बाल होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो वो मेंटेन करना आप लोगों के ऊपर होता है. एटलीस्ट हर वीक में 3 बार शैम्पू कंडीशनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों को, वीक में 3 बार मस्ट है. सो एंड उसके बाद तुम लोग जो भी वैक्स वगैरह अप्लाई करते हो उसे प्रॉपरली वॉश करना तुम लोग बहुत जरूरी है. एंड जो भी वैक्स अप्लाई करते हो ध्यान रखो अच्छी कंपनी का वैक्स यूज करो. तुम लोग 150 का मुंह देखकर अपने बालों को मत खराब करो. सो एंड जहाँ तक बात होती है स्ट्रेटनिंग और केराटिन की, मैं तुम लोग को केराटिन के लिए आने बोलूंगा, स्ट्रेटनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रेटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, तो तुम लोग केराटिन के लिए जाना. तो पहला टिप्स हमारा है जिसके मैंने तुम लोग को बताया. एंड एक चीज और, तुम लोग सीरम यूज कर सकते हो, सीरम बहुत अच्छी चीज है, तो बालों के लिए तुम यूज कर सकते हो. सो भाई आज का हमारा दूसरा टिप है फेशियल है. दो टाइप के लोग होते हैं, कोई बियर्ड रखता है, कोई क्लीन शेव रखता है. किसी को मुझे देख सकते हो मैं क्लीन शेव रखा हूँ. तो बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपरली सब चीज मैसअप करके रख देते हैं. आई मीन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, तो वो बहुत ज्यादा बियर्ड लगता है. डूडल वो बहुत ज्यादा बियर्ड लगता है. तुम लोग या तो पूरा क्लीन शेव रखो या तो तुम प्रॉपर लाइन अप में बियर्ड रखो. वो ऐसा तीतर पीतर डूड, तुम लोग 2017 में जी रहे हो, 2017 अभी तो 18 आने वाला है, तो तुम लोग उसका मत सोचो यार. क्लीन शेव रखो या तो बियर्ड रखो. तो कहीं अगर तुम लोग बियर्ड रख रहे हो तो बियर्ड प्रॉपर लाइनअप में रखो, बिकॉज बहुत लोग बियर्ड के अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि कभी उनका ये ऊपर नीचे हो जाता है, कभी यहाँ पे ज्यादा बाल, यहाँ पे कम. तो तुम लोग उस चीज का ध्यान रखो, बियर्ड हो जाता है वो यूज करो अगर तुम लोग बियर्ड रख रहे हो. एंड अगर तुम्हें नहीं रख रहे हो तो तुम क्लीन शेव रखो, तो उसे प्रॉपर क्लीन शेव रखो एंड उसे कैरी करो प्रॉपरली. सो वही, तो ये हमारा आज का सेकंड टिप था. आज का हमारा थर्ड टिप है आईब्रोज. सो गाइज, मुझे पता है बहुत से लड़के हैं जो आईब्रोज नहीं बनाते, बहुत से लड़के जो आईब्रोज बनाते हैं. मैं तुम लोगों को ये नहीं कहूँगा तुम लोग अपनी आईब्रोज बनाओ, बट मैं तुम लोगों को ये कहूँगा कि बहुत लोग की आईब्रो ऐसे मर्ज हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं. सो गाइज, मैं तुम लोगों को ये नहीं बोलूंगा तुम लोग अपना आईब्रो बनाओ, ये करो वो करो. मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, जो बहुत लोग की आईब्रो ऐसे मर्ज हो जाती है ना, उसे तुम लोग थ्रेडिंग करा के ऐसे इतना निकाल दो, इतना ऐसा कॉल, उससे फेस के ऊपर बिल्कुल अलग लुक आता है. आई मीन फेस पे बहुत अलग शाम आता है, तुम लोग एकदम अलग अट्रैक्ट होता है लोग देख के. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने आईब्रोज को इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो आईब्रो के लिए मैं इतना ही बोला हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा ना. मैं तुम लोग को ऐसा नहीं बोल रहा तुम अपनी आईब्रो शेव करो ये हो, बट एक नॉर्मली वस्तु में सिर्फ सामने का ही क्लीन करना है. सो भाई, तो ये हमारा आज का थर्ड टिप था. आज की फोर्थ टिप है नेल्स. सो गाइस, नेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है हाथ की भी एंड पैरों की भी, बिकॉज तुम लोग कितने भी अच्छे दिखो, तुम लोग कुछ भी करो, बट तुम लोग किसी से हाथ मिलाते हो या तुम लोग किसी के घर आते हो, तुम लोग किसी लड़की से मिलते हो एंड तुम्हारे नेल्स जो है वो एकदम थॉर की तरह बड़े बड़े भालू हो, तो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, उसके अंदर कचरा मारा हुआ निकाल. तो तुम लोग छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखो, और लोग वो बहुत नोटिस करते हैं. सो वही, अपने नेल्स को प्रॉपरली टाइम टू टाइम कट किया करो एंड साफ रखा करो अपने आपको. क्लीन बहुत जरूरी है, क्लीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तुम लोग कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, तुम लोग कुछ भी करो, क्लीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो गाइस, आज का हमारा पांचवा टिप है जॉ लाइन, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है बॉडी के अंदर, जो नजर ऐसा, अगर किसी का जॉ लाइन शार्प है तो भाई नजर अपना उसकी तरफ जाएगी. ऐसा जिसका जॉ लाइन शार्प होता है और आईब्रोज ऐसे होते हैं ना, वो शक्ल से बहुत ज्यादा अकड़ू दिखते हैं, बट वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये बात सच है. तो जॉ लाइन के लिए तुम लोग को जॉ लाइन की बहुत एक्सरसाइज आती है, जिसमें तुम लोग बता सकते हो. ये सब एक्सरसाइज जॉ लाइन की तुम लोग कर सकते हो. सबसे इजी चीज है अपनी जॉ लाइन को मेंटेन करने के लिए, तुम्हें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, च्युइंगम. गाइस बिलीव मी, तुम लोग सिर्फ 6 महीने च्युइंगम कंटिन्यू यूज करो एंड तुम लोग अपना 6 महीने पहले का फोटो देख लेना, 6 महीने बाद का, तो ये बहुत जरूरी है. तुम लोग च्युइंगम यूज करो एंड उस पर देखो इसमें फर्क आता है या नहीं. सो गाइस, आज का हमारा सिक्स्थ टिप है परफ्यूम.
गाइस तुम लोग कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, तुम लोग कुछ भी करो, तुम्हारे बाल कितने भी अच्छे हो, बट परफ्यूम मैटर करता है डूड। तुम लोग कुछ भी करो, परफ्यूम मैटर करता है। तुम लोग कोई भी कंपनी का परफ्यूम यूज करो, बट कोई ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुम लोग किसी के पास जाओ तो सुनकर वो बेहोश हो जाए, तो स्मेल करके वो बेहोश हो जाए। ऐसा कोई परफ्यूम नहीं, कोई भी लाइट परफ्यूम जो अच्छा हो, डिसेंट, तुम लोग किसी भी ब्रांड का 1000, 1200, 800 तक का भी मिलता है अच्छे से अच्छा परफ्यूम। सो गाइस तुम लोग को परफ्यूम 400 का भी मिलता है, कोई नॉर्मल ब्रांड का, तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तुम किससे मिलते हो। तो वही ये हमारा आज का 6th टिप था। एंड आज का जो हमारा लास्ट टिप है वो है शूज। तुम लोग कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, शूज बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम लोग कहीं पर भी जाओ, कोई पार्टी में, कोई डेट पे, किसी से मिलने, किसी के घर, किसी के फ्रेंड के घर, सबसे पहली जो चीज नोटिस की जाती है वो है शूज। हमारे पैर नोटिस करे जाते हैं, तो शूज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस जो भी इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, जिसकी मैंने कहा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, तुम जाके चेक कर सकते हो मैं कासिफ क्या चीज बाय करता हूँ, मेरे सीरीज में कैसे बाय करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक दिया हुआ, तुम जाके चेक कर सकते हो। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत सी अलग अलग चीजें स्टोरी के अंदर बताता हूँ, जो आने वाला है, जो नहीं आने वाला है, मेरी स्टोरीज के अंदर सब अपडेट रहता है। तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड वही सो ये अच्छा एक छोटा सा वीडियो था, आई होप तुम्हें को मजा आया होगा देखने में, कुछ नॉलेज मिली होगी मेरी थोड़ी मोड़ी, बट ये भी नॉलेज मैंने तुम लोगों को दिया, जो चीज़ अपनी लाइफ के अंदर मैं खुद यूज करता हूँ मैंने वो तुम लोगों को बताया। सो वही सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टू स्टे सेक्सी बेबी, बाय बाय बाय। फेमर मन चाहने वाले क्या बोला मैंने, बाय फेमर चाहने वाले। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आने वाले, डूड हुडीज देख के तुम लोग बेहोश हो जाओगे। सो वही तो रुको, अच्छी चीजें थोड़ी टाइम लेती है। सो वही बाय।